दोस्तों, ये स्पीड बग थूक से अपना घोंसला बनाती है। वसंत ऋतु के शुरू होने के कुछ समय बाद ही ये स्पीड बग धूप और हवाओं से रहित घास के पौधों पर एक जगह तलाश करती है, जिसके बाद ये उस पौधे का रस पीकर स्पिटल बनाना शुरू करती है। और ऐसा करने के लिए ये अपने शरीर से तरल पदार्थ निकालती है, जो इसके शरीर से चिपक जाता है और आंशिक रूप से डूब जाता है। फिर ये अपने पेट में हवा भरकर शरीर के पिछले हिस्से से बुलबुले बनाना शुरू करती है, और इस प्रक्रिया के खत्म होते ही ये स्पीड बग अपने घोंसले को सूखने के लिए छोड़ देती है।